हे डियर सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये इस टाइम फ्रेम में जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जो आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। सो लेट्स सी सजिटेरियस, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या आ रहा है, लाइक आप इस वक्त और नियर फ्यूचर में। हेरिफंट, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। अंडरनीथ आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्क को होले हुए हैं, या फिर आपने अपने काम में बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हैं। इस वक्त आपके जो काम है उसको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और वर्क आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। या फिर कोई एक पर्सन है जो अर्थ साइन है, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉन, और उस पर्सन के हवाले से आप कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप उस वक्त इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है उसको आप बेहतर करने उस हवाले से आपको कुछ रिकॉग्निशन हो रही है इस रिलेशनशिप के हवाले से जो इस पर्सन के साथ है आपका। और हो सकता है आप एक ऐसे बॉन्ड में हो उस पर्सन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो। और यहाँ पे हो सकता है मैरिज हो, आपकी मैरिज हो, या फिर आप कोई रिचुअल सेरेमनी में इन्वॉल्व होंगे इस वक्त। कोई रिचुअल सेरेमनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ आप बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हैं, या फिर आप कोई सेरेमनी है जो अटेंड कर रहे हैं। रिचुअल सेरेमनी हो सकती है, ओकेजन नहीं हो, ओकेजन भी हो सकती है रिचुअल, और आपकी पर्सनल आपके घर में भी कोई सेरेमनी हो सकती है, उसको आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें। या फिर इस रिलेशनशिप में एक रीयूनियन का की सिचुएशन है, कोई पर्सन है जो आपसे रीयूनियन चाहता है इस वक्त। अगर आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉन, तो एक रीयूनियन आप चाह रहे हैं, या फिर कोई एक रीयूनियन हो रहा है, किसी एक पर्सन का एंट्री है काफ़ी लंबे अरसे बाद, और बहुत ज़्यादा जेनरस है वो पर्सन। अगर वो पर्सन पास्ट में वो पर्सन जेनरस नहीं था, गिव एंड टेक नहीं था आपका और उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, लाइक बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंसिंग थी, तो अब वो पर्सन दोबारा से आपके पास आ रहा है एक सेकेंड चांस के लिए, और विक्टोरियसली वो आगे आ रहे हैं। लाइक उनको यकीन है कि अगर वो आपके पास जाएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, और क्योंकि और वो बहुत ज़्यादा जेनरस भी हो सकते हैं टूवर्ड्स यू, चाहे वो प्यार मोहब्बत के हिसाब से हो, चाहे वो मनी के हवाले से हो, किसी भी सूरत में या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने के हवाले से कोई बात हो, तो वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा जेनरस नज़र आएंगे आप टूवर्ड्स यू, या फिर आप जेनरस हो सकते हैं। कोई सेलिब्रेशन है जिसमें आपको गिफ्ट एक्सचेंज करने, लाइक गिफ्ट देना हो, गिफ्ट की सिचुएशन आ सकती है। बट इन द एंड अगर वो पर्सन रियूनियन चाहते हैं, लेकिन इन द एंड आप फिर भी इनडिसाइसिव ही हैं, और कोई डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं कि आपको ये यकीन नहीं कि वो पर्सन जो है, क्यों ये इनडिसीजन हो सकता है इसीलिए हो कि अभी जिस तरह के वो पर्सन आपको दिख रहे हैं, आपको ये इस बात का यकीन नहीं है कि वो आगे भी ऐसा ही रहेंगे, तो हो सकता है इसी वजह से आपको ये इनडिसीजन है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से आपको, किसी पास पर्सन की तरफ से एक रियूनियन हो सकता है आपका, चाहे वो आपका पर्सन हो या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो। लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या है। यहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन तो नज़र आ रही है कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वहाँ पे गिफ्ट की भी दिए जा रहे हैं। हैंगमेंट, लॉट ऑफ वेट,
वेटिंग, लाइक आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करेंगे और इंतज़ार करवाएंगे किसी को. अगर आप इंडिसाइसिव हैं, अगर अभी भी अगर वो पर्सन जितना भी जेनरोसिटी आपको शो कर रहा है, जितने भी बैलेंसिंग सिचुएशन, जितना भी बैलेंस लेके आना चाह रहा है वो इस रिलेशनशिप में, आपको उस पर इनडिसीजन ही है और आप वेटिंग पे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम ले रहे हैं डिसीजन बनाने में. सो लेट्स सी के आप डिसीजन बनाने में टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको, यही मैंने कहा कि आपको लगता है कि क्या इसकी श्योरिटी क्या है कि वो पर्सन अभी भी पुराने तरीके से, लाइक पहले जैसा ही है, या फिर वो बदल चुका है, या फिर वो आपके साथ खेल रहा है, इस रिलेशनशिप को सीरियस अभी भी नहीं लिया हुआ उन्होंने, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कोई डिसीजन सही से ले नहीं पा रहे. और आपको जो भी ये सिचुएशन है, अगर आपके किसी पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है और आपके शायद उनसे बातचीत नहीं है, तो आपको यही लगता है कि वो पर्सन जो है सीरियस नहीं है सिचुएशन के लिए. सो लेट्स सी के एक कार्ड चाहिए मुझे, वन कार्ड, वो दो कार्ड थे सो ये भी दो ही हैं, इनको ही ले लेते हैं. रिग्रेट्स हैं यहाँ पर आपको, आप अभी भी इनडिसाइसिव हैं और हो सकता है वो पर्सन रिग्रेट कर रहे हो, आपको ये शो करें कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, और बट आप उनकी किसी भी बात पर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं. आप सोच रहे हैं आप किस तरीके का डिसीजन आपको लेना चाहिए अगर वो पर्सन वापस आ भी रहे हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा है कुछ शायद जो कि आपको दोबारा से डिसअपॉइंट कर सकता है और आप फिर से दोबारा से इंडिसीजन में जा सकते हैं. अंडरनीथ में आपको किंग ऑफ वांड है आपके पास. सो इस वक्त वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी बन के आपके पास आएगा और आपको लगता है कि वो पर्सन प्लेयर है और वो इमेच्योर है, बट वो यहाँ पर मेचोरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, ये आपका की एनर्जी हो सकती है. सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हैं, लाइक आप सैजिटेरियस अपने एलिमेंट में हैं, आप मेच्योर हैं, आप जो भी एक्शन लेते हैं वो मेच्योरिटी पे बेस करता है, बट आपका जो पर्सन है वो मुझे यहाँ पे मेच्योर ही नज़र आ रहे हैं. काम के हवाले से वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है क्योंकि हो सकता है वो अपना ज़्यादा काम, अब टाइम जो है वो काम पे स्पेंड करते हों और आप लव लाइफ के हवाले से वो अभी इमेच्योर ही हैं, तो हो सकता है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव में डाल रही हो, कन्फ्यूजन में डाल रही हो. या फिर दो लोग आपके पास आ सकते हैं सेजिटेरियस, एक अर्थ साइन और एक फायर साइन, ये दोनों ही आप में इंटरेस्टेड हैं और आप इन दोनों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको किस पर्सन को जो है किस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सीरियस होगा लाइफ में आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे और जो स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगा आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे. या फिर ये दोनों जो है वो एक ही पर्सन की हो सकती हैं, ये दोनों ट्रेट्स आपके भी हो सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप अपने वर्क में, आपने अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अपने वर्क में बहुत अच्छे जा रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर कर रहे हैं, बट यहाँ पर लव लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा इनडिसीजन है और आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी हैं और कन्फ्यूज्ड भी हैं. सो कन्फ्यूजन रहेगी, देखते हैं कि आगे की जो मैं रीडिंग करूँगी उनमें कैसे सिचुएशन आती है. सो सजेस्ट ये थी आपकी रीडिंग फॉर दिस टाइम. इफ इट्स अर्जेंट यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.